हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है नवरात्रि का अष्टमी है और हमारी पूरी फैमिली लेडीज़ टीम जो है वो जा रही है नेपाल घूमने। तो आप लोग खुद देखिए, मैं हूँ, मेरी सास है, मतलब माँ है, दीदी है, सब कोई है, मेरी भांजी है, भांजा, हम लोग सब कोई मिल के, बट हमारे साथ जेंट्स कोई नहीं है। जो भी है हम लोग सिर्फ लेडीज़ पार्टी हैं, क्योंकि हम लोग को पूजा वगैरह भी करना है। तो इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे निकल गए हैं मंदिर। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो बॉर्डर पे जाना पड़ता है। ऑटो जो है हमें बॉर्डर से ही मिलता है, तो हमारे घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है और वहाँ तक हम पैदल जाते हैं। फिर हम लोग जो है ऑटो यहाँ से जाके ले लिए। अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल बीरगंज में, और वहाँ पे गहवा माई है, वहीं पे पूजा वगैरह करेंगे और फिर हम लोग मेला करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में जो है बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देखिए हमारी पूरी टीम जो है वो बैठ गई है ऑटो में और पहुँच गए हम लोग डायरेक्ट जो है वो गहवा माई मेला के लिए। और सबसे पहले जो है हम लोग जाके माता का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है अपना मेला करेंगे, पेट पूजा करेंगे। तो देखिए यही जो है वो गहवा माई का मंदिर है। और हम लोग, मैं अंदर का वीडियो तो आप लोग को नहीं बना पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भी भीड़ है और साथ में अद्दू परी भी है, तो इसीलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं शूट कर पाई। लेकिन हाँ, यही है मंदिर का फ्रंट, आप लोग देखिए। और अंदर में नहीं हो पाया। और देखिए हम लोग जो है अभी बस जा ही रहे हैं, दीदी प्रसाद वगैरह ले रही हैं और हम लोग अभी अंदर जाएंगे, पूजा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो बलिदान चढ़ रहा है। आज अष्टमी को जो है नेपाल में बलिदान होता है, तो ये आप लोग खुद देखिए कितना सारा जो है बकरी, मुर्गा, मुर्गी और मतलब कबूतर, ये सबका यहाँ पर बलिदान माता को चढ़ता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हो रहा है बलिदान। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये पूरा जो है बकरी वगैरह का ही जो धड़ अलग कर दिया जाता है वही सब है। और ये सारा जो है माता को बलिदान चढ़ा है। जिसका जिसका मन्नत अपना पूरा होता है वो लोग यहाँ पे जो है अपना मन्नत मांग के बलिदान देते हैं। तो यही हम लोग तो वैसा कुछ बलिदान नहीं चढ़ाया, बट हम लोग पूजा वगैरह किए और उसके बाद हम लोगों ने सिंदूर वगैरह लिया और प्रसाद फिर लिए पूजा करके, और हम लोग बस सब निकल गए। तो अब फाइनली हमारा पूजा हो गया मंदिर का, तो हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे, इनके खिलौने खरीदेंगे, क्योंकि अब बद्दू को जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, उसे लग रहा है कि शायद मेरे लिए कुछ ना खरीदाए, तो बस अब वो रोना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन इतना ना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इतना भीड़ है कि निकलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा नेटवर्क ही नहीं रहता, इसीलिए डर लगता है कि अगर हम लोग आगे पीछे हुए तो किसी को हम लोग कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आते आते हमारा सिम भी बंद हो जाता है, इंडियन जो है नंबर बंद हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल रोमिंग करवाना पड़ेगा और उतना तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ ही चल रहे हैं। और ये देखिए परी का जो है उसकी बुआ अपना खिलौना खरीदना स्टार्ट कर दी हैं दोनों के लिए। अभी जो है वो खिलौना खरीदाएगा, उसके बाद जो है बस अब इतना ही है कि बस पूजा किए, खिलौना वगैरह खरीद के पेट पूजा करेंगे और फिर हम लोग अपने घर चले आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके आप लोग लाइक सब सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बच्चों का खिलौना तो हम लोगों ने खरीद लिया, अब बस जा रहे हैं। यहाँ इतना मतलब सबसे अच्छा ना, मुझे यहाँ का सबसे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जो ईयरिंग्स वगैरह है और वो मुझे बहुत ज़्यादा खरीद तो एक भी नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था, फिर बच्चे भी थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराहट होता है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कभी फ्री टाइम में आके मैं यहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह मैं ज़रूर खरीदूँगी,
क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यारा प्यारा दिख रहा है। आज तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि बस आज बस घूमे फिरे, प्रसाद वगैरह लिए, दर्शन किए और अब बस हम लोग घर आ गए। यही है कि हम लोग बॉर्डर पे उतर गए हैं और यहाँ से फिर से पैदल पैदल घर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ऑटो नहीं मिलता है। और अभी घर आ गए, इतना ज़्यादा थकान हो गया। देखिए बच्चे जो है अभी वो खाना खा रहे हैं, खाना खाएंगे और लेटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके आप लोग अपना हमें ढेर सारा प्यार दीजिए।